तो स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21 का हमारा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम राजस्थान के आधारभूत संरचना विकास और सेवा क्षेत्र का क्या परिदृश्य रहा इसके बारे में जानकारी लेंगे। आर्थिक समीक्षा के दोनों ही चैप्टर बड़े महत्वपूर्ण है और ये मान के चला जा सकता है कि आरएस की प्री एग्जाम, सब इंस्पेक्टर की एग्जाम और आगामी पटवारी की एग्जाम में 2 से 3% इस क्षेत्र से पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं आधारभूत संरचना विकास में सबसे पहला टॉपिक इन्होंने ऊर्जा का लिया है और दिसंबर 2020 तक कुल अधिष्ठापित क्षमता 21,836 मेगावाट रही। 2020-21 के दौरान कुल 660 मेगावाट वृद्धि हुई है। इसके बारे में हम ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, पूर्ण हुआ और राजस्थान का निर्माण हुआ, उस समय हम मात्र 13.27 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर पा रहे थे और आज अगर 2021 की हम बात करें तो 21,836 मेगावाट विद्युत हम उत्पादित कर रहे हैं। तो एक बड़ा परिदृश्य हमारे यहाँ परिवर्तित हुआ है। बात करें 1991 के पश्चात राजस्थान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को शामिल किया गया, तो 1991 के बाद जब उदारीकरण का दौर आया और निजी कंपनियों को ऊर्जा उत्पादन की में भागीदारी प्रदान की गई, उसके बाद परिदृश्य तेजी से बदला है। तीन सोर्स जो हमने माने हैं, जो आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं ऊर्जा के, स्वयं या भागीदारी से परियोजनाओं से 8,790.79 मेगावाट है, केंद्रीय परियोजनाओं से आवंटन 3,288.96 मेगावाट है और पवन, बायोमास और सौर ऊर्जा से 9,756.15 मेगावाट विद्युत है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है आर्थिक समीक्षा से कि राजस्थान में जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र से है। तो अगर हम देखेंगे तो पवन, बायोमास और सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो स्वयं या भागीदारी परियोजनाओं या केंद्रीय परियोजनाओं के आवंटन से अधिक है। बात करूं मैं इसी में, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है, एक शब्द बार बार आ रहा है न्यूज़पेपर में, सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन। सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन वे पावर स्टेशन है जहाँ एक ही यूनिट से 500 मेगावाट से अधिक की विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो मैं अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन वर्तमान में दो तो चालू हो चुके हैं, छबड़ा और सूरतगढ़, इन दोनों से उत्पादन हो रहा है। यानी ऐसी इकाई जिससे 500 मेगावाट से अधिक अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन माने जाते हैं। अक्षय ऊर्जा की हम बात कर लेते हैं। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु कौन सी एजेंसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, तो वह है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। आपको इसकी बारे में एक सामान्य जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से और मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी आप इसको नोट डाउन करके रखें। सौर ऊर्जा का जो है, राजस्थान में सौर ऊर्जा स्रोतों से 142 गीगावाट संभाव्य क्षमता, यानी राजस्थान की जो संभावना है सोलर ऊर्जा उत्पादन की वो 142 गीगावाट है। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लें कि राजस्थान की संभाव्य जो क्षमता है वो कितनी है, 142 गीगावाट। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2020 तक 5,002 मेगावाट का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। कितना हो रहा है, 5,002 मेगावाट विद्युत का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा विकास हेतु सौर ऊर्जा नीति 2019 लागू की है। 18 दिसंबर 2019 को इन्होंने ये नीति लागू की है। तो ये नीति अगर पूछ रहा है तो साथ में ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की प्रथम सौर
ऊर्जा नीति कब लागू हुई, ये 2011, ठीक है, 2011 में ये नीति लागू हुई। भड़ला, ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया से शामिल था इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया आर्थिक समीक्षा से। भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 फेज में विकसित किया गया है। ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है भारत का, जिसमें 2245 मेगावाट का 4 फेज में इसको विकसित किया जा रहा है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क योजना के अंतर्गत निम्न 3 पार्क निर्माणाधीन, ये हमने जो टेस्ट पेपर तैयार किया था उसमें भी इसको लिया था। 3 वर्तमान में 3 पार्क सोलर पार्क डेवलप कर रहे हैं नवीन एवं नवीकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। पहला है फलोदी पोकरण सोलर पार्क जो 750 मेगावाट का है। इसमें आपको इसकी जो संयुक्त उपक्रम कंपनी है उसका भी ध्यान रखना, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में इनके नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये मेसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। दूसरा है फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी, ये है 1500 मेगावाट का, इसको आप देखिए कितने का है, 1500 मेगावाट का। इसका विकास जो इसको डेवलप कर रहा है वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। तीसरा है नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट का है और इसका विकास कर रहा है सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। इसके जस्ट बाद आप देखो पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। पवन ऊर्जा राजस्थान राज्य सरकार राजस्थान राज्य द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 दिनांक 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई, जो दो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों की जो नई है पॉलिसीज वो दोनों एक साथ जारी हुई थी 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है। अगर बात करें पहली पवन ऊर्जा नीति कब लागू हुई, तो पहली पवन ऊर्जा नीति 2000 में लागू। राज्य में पवन ऊर्जा संभाव्य क्षमता 127,750 मेगावाट है, ठीक है, कितनी है 127,750 मेगावाट। अब की बार 2019 में जो राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 जारी की गई है, इसमें हाइब्रिड एनर्जी से क्या तात्पर्य है, हाइब्रिड एनर्जी से समझने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिड हाइब्रिड एनर्जी जो हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना जिसको हम कह सकते हैं उससे क्या तात्पर्य, उससे तात्पर्य सीधा सा है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्लस गैर पारंपरिक, इनको संयुक्त रूप से जो ऊर्जा इनको संयुक्त रूप से एक प्रयास से जो ऊर्जा उत्पादन की जा की परियोजना है वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना। या तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो और एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो। दूसरी स्थिति होती है कि दो से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से भी जो ऊर्जा उत्पादन की जाती है उसको हम दो से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जो ऊर्जा प्राप्त परियोजना है उनको भी हम हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना कहते हैं, ठीक है। दिसंबर 2020 तक कुल 4,337.56 मेगावाट पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे अपन बात कर रहे थे इसकी, इसी तरह पवन ऊर्जा में पूछा हुआ प्रश्न है प्री में, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो प्रथम स्थान अगर पूछ ले तो आपको बताना है तमिलनाडु, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान के स्थान अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि राजस्थान के स्थान 5वां स्थान है, ठीक है। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा जिला अव्वल है, आपका आंसर होगा जैसलमेर, ठीक है। ये चीज हमने साथ में एडिशनल इसमें ऐड कर दी थी, ठीक है। अब आप तीसरा
चीज़ जो है वो बायोमास ऊर्जा है राज्य में। ये हमने ऐसे कैसे लाइन उठाई है आर्थिक समीक्षा से, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सरसों की तूड़ी व जूली फ्लोरा है। तो कई बार प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे कैसे लाइन उठा के दे देते हैं कि राज्य में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं कचरा, सरसों व तूड़ी, सरसों की तूड़ी व जूली। तो इस तरह से ये लाइन हमने ऐसे कैसे उठा के ले। दिसंबर 2020 तक 120.45 मेगावाट के 13 बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 14 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों पर कार्य प्रगति पर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि बायोमास, पहली बायोमास नीति कब आई थी, पहले बायोमास ऊर्जा नीति की अगर बात करूं तो यह आई थी 2010 में, ठीक है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़पेपर में था कि राजस्थान का कौन सा गांव या कौन सा जिला है जिसमें कचरे से बिजली उत्पादन में उत्तरी भारत का प्रथम प्लांट स्थापित किया गया। तो आपका उत्तर होगा नानी गांव है और एक गाँव कहाँ पे है, सीकर में है। कचरे से विद्युत उत्पादन का उत्तरी भारत का पहला प्लांट जो है नानी गांव सीकर में स्थापित किया गया। ये इस यही चीजें उसमें शामिल थी आर्थिक समीक्षा। इसके बाद सड़क का इन्होंने टॉपिक लिया है। पिछले दो वर्षों के दौरान 4228 किलोमीटर की नई सड़कों का और 4889 किलोमीटर लंबाई की एनएच का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बन जाता है कि राजस्थान में पिछले दो वर्ष में एनएच कितना एनएच का निर्माण हुआ, तो 689 किलोमीटर एनएच का निर्माण। सड़क घनत्व तो पूछ सकता है, ये आपको देख लेना है। मार्च, ये मैंने आर्थिक समीक्षा से लिया है, मार्च 2020 तक राज्य में सड़क घनत्व 78.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व 152.04 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत राज्य में 374 किलोमीटर सड़क बनेगी। ये आर्थिक समीक्षा में न्यूज़ थी या पॉइंट था, उसको हमने हाईलाइट किया है कि दिल्ली वडोदरा, ठीक है। सांगरिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के अंतर्गत राज्य में 637 किलोमीटर एरिया डेवलप किया जाएगा, सड़क निर्मित की जाएगी। ये सारे फैक्ट्स, ये बेसिकली फैक्ट्स हैं जो हमने प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें डाले हैं, ठीक है। अब जब ये बातें हम कर रहे हैं तो चूंकि एडिशनल थोड़ा सा हमने सोच बात कर लेते हैं कि राज्य में वैसे कुल एनएच का मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे कितने हैं, 48, ठीक है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, किस जिले में हो सबसे सर्वाधिक अगर बात करें लंबाई की, तो बीकानेर। ये प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते रहे हैं, किस जिले में सर्वाधिक एनएच गुजरते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या एनएच की, सर्वाधिक एनएच की संख्या पूछ सकते हैं, सर्वाधिक गुजरते हैं ये पूछ सकते हैं। तो कौन सा है वो, जयपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक 9 एनएच नेशनल हाईवे निकलते हैं। अगर मैं बात करूं, एनएच की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं स्टेट हाईवे भी हो सकता है और सड़कें भी हो सकती है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, किस जिले में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है, वो है बाड़मेर। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जब आप तैयारी करें, जब आप देखें नोट्स के साथ, इन चीजों को भी आप शामिल कर लें, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने सेवा क्षेत्र के जो मुख्य बिंदु, हमने जो सारांश थे वो ही लिया है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी हमने शामिल नहीं की। प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से फैक्ट्स की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया। राजस्थान पर्यटक नीति 2020 कब लागू हुई? प्रश्न बनता है 9 सितंबर 2020 से लागू। हम पर्यटन के बारे में, पर्यटन नीति की बात करें, उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते कि देश का दूसरा सबसे बड़ा मुद्रा अर्जन करने वाला उद्योग है, ठीक है, विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है ये, जिससे फॉरेन करेंसी सबसे ज़्यादा हमको सेकंड है, ठीक है। और वर्तमान में एक और राजस्थान की खास बात और है कि वर्तमान में भारत में जो भी पर्यटक आते हैं, भारत में आने वाले पर्यटकों में से हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है, ठीक है। यानी राजस्थान पर्यटन के लिहाज से बहुत अच्छा जिला है और एक अच्छी इनकम का सोर्स हमारी जीडीपी के लिए। 1989 में हम बात, जब ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा और फैक्ट्स भी देख लेते हैं, सबसे पहले 1989 में एक मोहम्मद यूनिस समिति बनी, और उसकी सिफारिश पर, ये प्रश्न पूछा हुआ है आरपीएससी द्वारा, इसलिए मैंने इसको याद रह गया मेरे को, 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया, ठीक है। किया मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और एक चीज और है कि ये ऐसा करने वाला राजस्थान क्या था, भारत का पहला राज्य था यह जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया। इसके बाद तो फिर 2004-2005 में क्या है, इन्होंने जन उद्योग का, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, जन उद्योग का इसको दर्जा प्रदान किया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस वर्ष राजस्थान में उद्योग को, जन पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया, तो 2004-5 में। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष से मिला, तो 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको पर्यटन, इसका दर्जा, उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। हम अपने मूल उस पर आते हैं, अक्टूबर 2020 को जोधपुर में पर्यटन पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। वर्तमान में राजस्थान में 3 पर्यटन पुलिस स्टेशन जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में संचालित है। वर्तमान में कितने पर्यटक पुलिस स्टेशन है, 3 है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ये प्रीलिम्स के लिए आपसे महत्वपूर्ण। वंदे मातरम मिशन क्या था, वंदे मातरम मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। वंदे मातरम मिशन 22 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से 56,348 प्रवासी भारतीय राजस्थानी आए। वंदे मातरम मिशन था कोरोना की जो फर्स्ट वेव के कारण जो विदेशों में हमारे भारतीय मूल के या भारतीय व्यक्ति फंस गए थे, उनको लाने के लिए जो रेस्क्यू किया गया और जो विमान सेवा उपलब्ध कराई गई, वो वंदे मातरम मिशन उसको नाम दिया गया। अवार्ड्स के बारे में भी कभी कभी आरपीएससी पूछ लेती है, तो अवार्ड्स के बारे में 22 फरवरी 2020 को आउटलुक ट्रेवलर के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है। जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री, किसको मिला है ये, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री जयपुर, और रणथंभौर को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री का अवार्ड मिला है। ये दोनों महत्वपूर्ण भाई, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनके जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो आप द स्मार्ट स्टडी ऐप पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने एक जो फैक्ट था
वो हमने डाल दिया। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की शोध पत्रिका का नाम पूछा जा सकता है, तो पूरा संपदा इसका नाम। कुछ स्कीम्स भी थी वो हमने दे ली। स्टैंड अप इंडिया योजना, योजना की शुरुआत एससी एसटी और महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये योजना है एससी एसटी और महिला उद्यमियों को उनकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रदान करने की योजना। राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित केंद्रीकृत शिकायत निवारण की पद्धति है। 181 इसका कॉल सेंटर है, आप भी इस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर समय पर परीक्षा नहीं मिलती। ठीक है, ई मित्र प्लस, राजस्थान में ई सेवा प्रदान करने के लिए एटीएम की भांति एक स्वचालित मशीन जिसमें मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली के बिल आदि जमा कराने की सुविधा। ये आरएस के मेंस के हिसाब से भी आप याद रख लेना, 15 शब्दों में अगर वो लिख दे ई मित्र प्लस तो आपको ये इस तरह की परिभाषा। जन आधार योजना, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे मैडम के समय भामाशाह योजना थी, तो उसी को परिवर्तित करके माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जन आधार योजना उसका नाम कर दिया है। विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, जन आधार का जो स्लोगन इन्होंने दिया है वो है एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान। विचारधारा के क्रियान्वयन तो जन आधार योजना की घोषणा की गई है। कब की गई, 18 दिसंबर 2019 को इसका शुभारंभ हुआ। तो ये डेट महत्वपूर्ण हो जाती है कि जन आधार। ठीक है, जन आधार योजना कब प्रारंभ हुई, 18 दिसंबर 2019 को। क्या है, नामांकित परिवारों को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है तथा कार्ड के मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या दी जाती है। यानी जो कार्ड जारी किया जाता है परिवार की पहचान संख्या वो तो 10 अंक की होती है और व्यक्तिगत जो पहचान संख्या दी जाती है वो 11 डिजिट की होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं शहरीकरण व शहरी विकास। शहरीकरण और शहरी विकास, शहरीकरण से क्या तात्पर्य है, शहरीकरण से तात्पर्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि। ठीक है, शहरीकरण की प्रवृत्ति राजस्थान में भी एक राष्ट्रीय स्तर के समान ही बढ़ रही है। भारत में 2011 में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 31.14% है, जबकि भारत के स्तर पर अगर मैं बात करूं, जबकि राजस्थान में क्या स्थिति है, राजस्थान में 24.87। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृत्ति भारत की अपेक्षा कम है तो मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि राजस्थान की शहरीकरण का जो प्रतिशत है वो 24.87 है जबकि भारत का है 31.14%। शहरीकरण में शहरी लिंगानुपात, जो हमने सेकंड वीडियो मारा था उसमें डिटेल से देखा था, शहरी लिंगानुपात 914 है, वर्ष 2001 में ये 890 था। मतलब 2001 की तुलना में 2011 में शहरी लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा। शहरी साक्षरता दर, अलग से एक चैप्टर शहरी क्षेत्र के लिए शहरीकरण शहरी विकास के नाम से इन्होंने शामिल किया। कुल साक्षरता दर हमारी राजस्थान की जो है 66.11% है, हमने इसमें एडिशनल जोड़ दिया, 2001 में 60.40 थी। शहरी साक्षरता दर की बात करें तो 79.70 और ग्रामीण की बात करूँ तो 61.40। इट मीन्स ग्रामीण, आज भी ग्रामीण साक्षरता दर शहरी की तुलना बहुत कम है। पुरुष साक्षरता 79.20 और स्त्री साक्षरता 52.1%। ये एडिशनल हमने ऐड कर दिया है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, स्त्री साक्षरता। अगर कुल साक्षरता की बात करूं तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा फर्स्ट, जयपुर सेकंड, झुंझुनू थर्ड, सीकर फोर और अलवर फिफ्थ है। पुरुष साक्षरता के भी हमने लिस्ट सारी सूची तैयार करके दे दी आपको, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। स्त्री साक्षरता में कोटा अव्वल है, कुल साक्षरता में भी कोटा अव्वल है और पुरुष साक्षरता में झुंझुनू अव्वल है। पुरुष साक्षरता में इसको क्रम से आप देख लीजिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले भी हमने शामिल कर लिए हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में सबसे कुल साक्षरता में न्यूनतम में जालोर है, पुरुष साक्षरता में बांसवाड़ा है और स्त्री साक्षरता में भी वापस जालोर है। ये क्या, ठीक है, ये लिस्ट
आप सेव कर लीजिएगा। शहरी विकास, राज्य में तीन विकास प्राधिकरण जयपुर, अजमेर और जोधपुर में है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण और अजमेर विकास प्राधिकरण, तीन विकास प्राधिकरण वर्तमान में। राज्य में 14 शहरी न्यास, ठीक है। रियल इस्टेट रेगुलेटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान, रेरा, ये महत्वपूर्ण है भाई। तो इसकी हमने जो ब्रीफ डिटेल थी उसमें भी हमने शामिल किया। राज्य में 1 मई 2017 को रेरा के लिए हमने राजस्थान रियल इस्टेट नियम अधिसूचित किए और राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी रेरा पर रियल इस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल का गठन 6 मार्च 2019 को किया गया। रेरा का गठन हुआ 6 मार्च 2019 को। ये डेट्स महत्वपूर्ण है, आप देखें। वर्तमान में इसकी जो चेयरमैन है वो कौन है? निहाल चंद गोयल। सजग, रिलीम्स में पूछा जा सकता है, सजग क्या है? आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे आवासों की गुणवत्ता और प्रभावी निगरानी हेतु बनाया गया मोबाइल ऐप। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में राज्य के 2 जिले अलवर और भरतपुर, आपको पता है, पता होना भी चाहिए, अलवर और भरतपुर दो जिले हमारे NCR में शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है भाई? स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया? जून 2015 को शुरू हुआ भैया, ठीक है। नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली जीवन, स्वच्छ और सतत पर्यावरण तथा शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। तो भाई मेंस के हिसाब से ये ऐसे कैसे आप याद कर लें, लिखने में अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे। राजस्थान के चार शहर इसमें स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है। कौन कौन से हैं भाई? जयपुर है, अजमेर है, कोटा और उदयपुर। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सा शहर राजस्थान के निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल नहीं है? जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, ठीक है। अमृत मिशन भारत सरकार द्वारा जून 2015 में ही ये भी शुरू किया गया। जून 15 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया। अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना का प्रारंभ किया गया। इसका एक तो फुल फॉर्म आपको देख लेना है, अटल मिशन रिजुवेनेशन व अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट वाटर आदि के आधारभूत ढांचों का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। और कितने शहरों में ये? 500 शहरों में भारत के कितने शहर हैं? टोटल भारत के 500 शहर चयनित किए गए हैं इसके लिए और राजस्थान के 29 शहर इसमें शामिल है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इम्पोर्टेंट। इंदिरा रसोई योजना शहरी से संबंधित है। 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की गई। 213 नगरीय निकायों में वर्तमान में ये है। आमजन को 8 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जाना राज्य सरकार का इसका उद्देश्य है, ताकि गरीब और ऐसे व्यक्ति जो दोनों टाइम का भरपेट भोजन नहीं कर पाते उनको एक रियायती दर पे, एक नाम मात्र की दर पे अच्छा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। शहरी निकाय हमने एडिशनल, क्योंकि प्रीलिम्स के लिहाज से अब नए जैसे नगर पालिकाएँ बनी है तो उसके बाद अपडेटेड सूची है। नगरीय निकायों की संख्या कितनी है भाई? नगरीय निकायों की संख्या है 213 हो चुकी है। नगर निगम 10 हैं, नगर परिषद 35 और नगर पालिका 168 है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिहाज से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है।